अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है सोलुबिलिटी प्रोडक्ट। सोलुबिलिटी प्रोडक्ट क्या होता है तो इसको अंडरस्टैंड हम कर लेते हैं। तो इसको अंडरस्टैंड करने के लिए भी स्टेटमेंट को ही पहले देखेंगे। इक्विलिब्रियम ऑफ स्लाइटली सोलुबल आयनिक कंपाउंड, एक कंप्लीटली सोलुबल आयनिक कंपाउंड होते हैं, एक स्लाइटली सोलुबल आयनिक कंपाउंड होते हैं। तो ऐसे स्लाइटली सोलुबल आयनिक कंपाउंड के लिए हम क्या करेंगे, इक्विलिब्रियम, क्योंकि ये भी रिवर्सिबल रिएक्शंस हैं। तो रिवर्सिबल रिएक्शंस क्या करते हैं, इक्विलिब्रियम अटेन करते हैं, और इक्विलिब्रियम जब अटेन करेंगे तो इसको हम क्या कहेंगे, इसको इसकी कैलकुलेशन जो होगी इसको हम क्या नाम दे देंगे, सोलुबिलिटी प्रोडक्ट। तो यहाँ पे उसने आगे डिस्क्राइब किया हुआ है कि सोलुबल आयनिक कंपाउंड लाइक NaCl, इसको जब वाटर के अंदर ऐड किया जाता है तो ये क्या हो जाते हैं, कम्प्लीटली 100% डिसोसिएट हो जाते हैं। बट जो स्लाइटली सोलुबल साल्स होते हैं इनकी डिसोसिएशन 100% नहीं होती इक्विलिब्रियम पे। जस्ट लाइक एग्जांपल जो है PbCl2, इसको जब वाटर के अंदर ऐड किया जाता है तो उसका जो सोल्यूशन होता है उसमें आइंस होते हैं Pb2+, क्लोराइड आइन होते हैं, और साथ अनडिसोसिएटेड PbCl2 भी होता है, क्योंकि सारे का सारा PbCl2 अपने आइन के अंदर कन्वर्ट नहीं होगा क्योंकि ये स्लाइटली सोलुबल यानी पार्शली सोलुबल आयनिक कंपाउंड है। तो इसका जब हम इक्विलिब्रियम फॉर्म होगा, इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट करेगा तो वो बिटवीन सॉलिड सॉल्यूट में बिटवीन यानी PbCl2 और उसके आइंस के दरमियान आपस क्या हो जाएगा, इस्टेब्लिश होगा। अब PbCl2 के लिए हमने क्या कर लिया, रिवर्सिबल रिएक्शन लिख लिया। PbCl2 सॉलिड में वाटर के अंदर डिसोसिएट होगा तो एक्वस फॉर्म में लिख दिया। यहाँ पे रिवर्सिबल रिएक्शन है, डबल एडेड एरो है, यहाँ पे भी डबल एडेड एरो है, तो क्या बन जाएगा, Pb2+ क्या बन गया, NaCl-। अब यही जब इक्विलिब्रियम अटेन करेगा तो हम इसका क्या कर लेंगे, Kc फाइंड कर लेंगे। तो ये Kc इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाई कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। प्रोडक्ट इसके कौन से, Pb2+ प्लस 2Cl- डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा, PbCl2 सॉलिड की फॉर्म। ये इसका Kc हमने फाइंड कर लिया। अब एक और हम एग्जांपल कर लेते हैं PbSO4 वाली, इसका भी यहाँ पे डबल एडेड एरो, ये इसके आइंस बन रहे हैं। अब इसके लिए हम क्या करेंगे, Kc की वैल्यू फाइंड करेंगे एट इक्विलिब्रियम। Kc इज इक्वल टू क्या होगा, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाई कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ये Kc के इक्विवेलेंट आ जाएगा। फॉर PbSO4 इसके लिए हमने Kc फाइंड कर लिया है। अब हम कह रहे हैं कि ये जो PbSO4 होता है ये स्लाइटली सोलूबल है, पार्शली सोलूबल है, मतलब इसकी जो डिसोसिएशन होगी वो बहुत कम होगी, ये अपने आइंस के अंदर बहुत कम होगा, कन्वर्ट होगा। इस वजह से लेड सल्फेट को हम क्या करते हैं, कॉन्स्टेंट कंसिडर कर लेते हैं। हम कहते हैं कि इसकी जो इनिशियल कंसनट्रेशन थी, फाइनल कंसनट्रेशन भी ऑलमोस्ट हुई होती है, तो ये PbSO4 हमारे पास क्या आ जाएगा, कॉन्स्टेंट। तो जो कॉन्स्टेंट होगा उसको हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड पर ले जाएंगे। या Kc भी कॉन्स्टेंट है, PbSO4 भी कॉन्स्टेंट है, तो ये दोनों क्या कर देंगे, एक साइड पर आ जाएंगे। तो Kc इंटू PbSO4 कंसनट्रेशन ऑफ PbSO4 इज इक्वल टू क्या आ गया, Pb2+ एंड कंसनट्रेशन ऑफ सल्फेट आइन। अब ये जो Kc इंटू PbSO4 है ये इज इक्वल टू होता है KsP, जस्ट लाइक जैसे हमने Ka फाइंड किया था, Kb फाइंड किया था, Kw फाइंड किया था। अब इस तरह जब Kc मल्टीप्लाई करेगा स्लाइटली सोलबल आइनिक कंपाउंड के लिए के साथ, तो उसको किसके इक्वल आ जाएगा, KsP के इक्वलेंट आ जाएगा। और KsP इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसके जहाँ पे हम क्या पुट कर देंगे, KsP इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, कंसनट्रेशन ऑफ Pb2+ आइन एंड कंसनट्रेशन ऑफ सल्फेट आइन। तो ये हमारे पास फॉर्मूला आ गया। अब Ksp फॉर PbSO4 क्या होती है, 1.6 एंड इंटू 10⁻¹⁸ एट 25°C। जब टेम्परेचर वेरी करेंगे तो ऑटोमेटिकली ये डिसोसिएशन वेरी करेगी, और इसका जो प्रोडक्ट होगी इनका, इसकी जो सोलबिलिटी होगी वो डिफरेंट होती जाएगी, और इनका प्रोडक्ट क्या होता जाएगा, लार्जर, और Ksp की वैल्यू क्या होती जाएगी, लार्जर। तो Ksp बेसिकली किस पर डिपेंड करता है, टेम्परेचर पर। जैसे जैसे टेम्परेचर ज़्यादा होता जाएगा वैसे वैसे इसकी सोलबिलिटी यानी Ksp इंक्रीज करती जाएगी, और हर स्लाइटली सोलबल आइनिक कंपाउंड के लिए Ksp की वैल्यू क्या होगी, डिफरेंट, क्योंकि उसकी कैपेबिलिटी जो है वो आइन बनाने की, डिसोसिएट होने की, वो क्या होती है, डिफरेंट होती है। ये Ksp की डेफिनेशन है, इट इज़ अ प्रोडक्ट ऑफ मोलर सोलबिलिटीज ऑफ टू आइन एट इक्विलिब्रियम स्टेज, यानी दो आइंस का जो प्रोडक्ट होगा, मोलर सोलबिलिटीज का जो प्रोडक्ट होगा उसको हम क्या नाम देंगे, Ksp का नाम दे देंगे। यानी आप कह सकते हैं कि जो दो आइंस बन रहे हैं उनकी जो कंसंट्रेशन है, उनकी जो यानी जितने भी ज़्यादा सोलबल होंगे उतनी Ksp ज़्यादा होती है। अब फॉर PbCl2 तो क्या देगा, Ksp इज इक्वल टू Pb2+ इंटू CL- यानी टू सी एल नेगेटिव आएगा, यहाँ पे प्रॉब्लम है। तो Kc इज यूजली अ वेरी स्मॉल क्वांटिटी एट रूम टेम्परेचर, तो इसको टेम्परेचर को हम इंक्रीज भी कर सकते हैं, क्योंकि ये टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है। अब इसको जनरली हम एक्सप्लेन करेंगे। ये हमारे पास एक जनरल रिएक्शन है AxBy, ये डबल एडेड एरो है, यहाँ पे उसने लिखा हुआ है XA+Y+YB-X।
तो यहाँ पे प्लस वाई और माइनस एक्स का कोई छोड़ दें, अभी आप एक्स ए और वाई बी को अंडरस्टैंड करें। ये जस्ट लाइक ऐसी है पी बी सी एल टू आप कंसिडर करें। पी बी सी एल टू में क्या आ रहा था, यहाँ पे सी एल के साथ टू आ रहा है, जब आइन बनेंगे तो टू जो होगा वो सी एल के पहले आ जाएगा, यानी टू सी एल नेगेटिव आ जाएगा। तो सेम यहाँ पे ये जो बी वाई है ये उसके आप कह सकते हैं एटम है, नंबर ऑफ एटम है, तो इसके क्या आ जाएंगे स्टार्ट में आ जाएंगे। इस तरह जो एक एटम है वो एक्स एटम है, तो एक्स ए प्लस क्या आ गया वाई बी, जस्ट लाइक सी एल टू की तरह सी एल टू का क्या है टू स्टार्ट में आ जाएगा। तो सेम बी का वाई स्टार्ट में आ जाएगा, ए का एक्स स्टार्ट में आ जाएगा, समझ आएगी एक्स ए प्लस वाई बी। अब प्लस वाई एंड माइनस एक्स क्यों है ये आपने पढ़ा हुआ, जब मोलिकुलर फॉर्मूला हम बनाते हैं तो पहले कैटाइन लिखते हैं, फिर एनायन लिखते हैं, उसके बाद उनके जो पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज होते हैं उसको एक्सचेंज कर देते हैं। अब इस ए का चार्ज जो है वो वाई है, बी का चार्ज जो है वो एक्स है, तो ए प्लस वाई और बी क्या आ जाए माइनस एक्स आ जाएगा। तो ये इसको चार्ज को भी रिप्रेजेंट किया गया। अब ये हमारे पास उसके आइंस आ गए, तो के एस बी इक्वल टू क्या आ जाएगा कंसंट्रेशन ऑफ ए, ए प्लस वाई आ जाएगा, ये इसका एक्सपोनेंट है, ये पावर में चला जाएगा। ये हमें पता है कि जब भी के सी फाइंड करते हैं तो जो एक्सपोनेंट होता है वो पावर में चला जाता है। प्लस क्या आ गया बी माइनस एक्स, और वाई एस का एक्सपोनेंट है वो किधर कहाँ चला जाएगा पावर में चला जाएगा। तो इस तरह जब भी आपने के एस पी की वैल्यू फाइंड करनी है तो जो एक्सपोनेंट होंगे वो क्या कर जाएंगे पावर में चले जाएंगे। ये सिंपल रूल है कि जब रिवर्सिबल रिएक्शन के लिए कोई भी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हम फाइंड करते हैं तो जो पावर एक्सपोनेंट होते हैं वो पावर में चले जाते हैं। अब इसी इक्वेशन को आगे एलैबोरेट किया गया, सोलुबिलिटी प्रोडक्ट इज द प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ आइन, कंसंट्रेशन ऑफ आइंस रेस टू एन एक्सपोनेंट, यानी जो इनके एक्सपोनेंट थे वो हमने क्या कर दिए रेस कर दिए, कहाँ पर रेस कर दिए यानी उसकी पावर में, इक्वल टू द कॉफिशेंट ऑफ द बैलेंस केमिकल इक्वेशन, यानी जो आपके पास क्या थे बैलेंस केमिकल इक्वेशन के अंदर जो कॉफिशेंट थे उसको हमने क्या कर दिया रेज कर दिया। जो आपके पास के एस पी होता है ये हमें क्या करता है इसकी बताता है डिसोसिएशन के बारे में। अब अगर के एस पी की वैल्यू ज़्यादा होगी तो इसका मतलब क्या, यानी के एस पी इज द मेजर ऑफ हाउ फार द राइट डिसोसिएशन प्रोसीड्स एट इक्विलिब्रियम दैट इज सैचुरेशन, यानी अगर के एस पी की वैल्यू क्या होगी, यानी आप के एस पी की वैल्यू और आइनियम प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन की वैल्यू इक्वल होगी तो मतलब क्या होगा वो आप कह सकते हैं वहाँ पे इक्विलिब्रियम प्रॉपर होगा। अगर इसकी वैल्यू ज़्यादा होगी तो इसको हम कहेंगे सैचुरेशन इसमें अटेन होगी, यानी के एस पी से अगर क्या होगी आइनिक प्रोडक्ट की वैल्यू यानी आइंस की जो मल्टीप्लीकेशन है, यानी अगर आइंस की मल्टीप्लीकेशन के एस पी से इंक्रीज कर जाए तो उसको हम क्या कहेंगे ऐसे सोल्यूशन को हम कहेंगे सैचुरेटेड सोल्यूशन, क्या कहेंगे सैचुरेटेड सोल्यूशन कहेंगे। और इसमें अगर डिक्रीज कर जाए के एस पी की वैल्यू यानी के एस पी की निस्बत अगर आइंस की कंसंट्रेशन कम हो तो उसको हम क्या कहेंगे अनसैचुरेशन। ये सिंपल है कि हमारे पास बेकर है उसके अंदर हमने ये इसको डिजॉल्व किया, अगर इसके आइंस ज़्यादा डिसोसिएट हो जाते हैं अपनी कैपेबिलिटी से तो मतलब क्या होंगे उसको हम सैचुरेशन का नाम देंगे, अगर कम आइंस फॉर्म होते हैं तो उसको हम क्या नाम देंगे अनसैचुरेशन का नाम देंगे। स्मॉलर द वैल्यू ऑफ के एस पी लेसर द कैपेबिलिटी टू बी डिसोसिएटेड, यानी के एस पी जो है ये हमें इंडिकेट करेगा कि ये ज़्यादा डिसोसिएट होता है या कम डिसोसिएट होता है। तो ये यहाँ पर इनका जो रिलेशन बनेगा के एस पी और डिसोसिएशन का वो डायरेक्टली रिलेशन बनेगा। ये कुछ आयनिक स्लाइटली आयनिक कंपाउंड की के एस पी वैल्यू देखी है, यानी ए जी बी आर के लिए 5.5 × 10⁻³ है, एफ ई एस के लिए 6.3 × 10⁻¹⁸ है, मर्क्यूरियम सल्फेट के लिए आपके पास 2 × 10⁻¹⁵ है। तो ये पूरे टेबल के अंदर आपके पास क्या डिफरेंट आपके पास वैल्यूज दी गई, तो इससे आप आइडिया लगा सकते हैं कि हर स्लाइटली सोलबल आयनिक कंपाउंड के लिए क्या होती है के एस पी की वैल्यू डिफरेंट होती है, क्योंकि उनकी आयनाइजेशन जो है सोलबिलिटी डिसोसिएशन क्या होती है डिफरेंट होती है। तो ये तो हमारा आज का टॉपिक, इसको आपने अच्छी तरह अंडरस्टैंड कर लेना, और ये लॉन्ग क्वेश्चन में भी आता है और इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल भी है, तो इस वजह से ये के एस पी की डेरिवेशन प्रॉपर आपको आनी चाहिए। ओके।